नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। तो रुड़की में मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक रुड़की लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण करा रहा है। इसकी गुणवत्ता पर स्थानीय पार्षद एवं अन्य लोगों ने सवाल उठाते हुए विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा के प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने बताया कि कई सालों के बाद इस सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें ठेकेदार बिना गुणवत्ता के ही सड़क बनाने की लीपापोती कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क के बनने में ठेकेदार घोर लापरवाही बरत रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़क की गुणवत्ता को लेकर कमियां निकाली हैं। उन्होंने कहा कि तारकोल की जो मोटी लेयर डाली जा रही है, उसमें तारकोल की मात्रा कम है। अगर हल्की बारिश भी होती है तो निश्चित रूप से यह सड़क बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक आते ही पहाड़ी इलाकों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी में तो मुश्किलें आ ही रही हैं, साथ ही नदियां भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। तो वहीं राजधानी की बात करें तो देहरादून में सुबह से ही मौसम के तेवर बदले हुए हैं। देहरादून में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 19 जून है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिली है, जबकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिली है। इसमें चमोली और पौड़ी जनपदों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी रही है। आज भी उत्तराखंड में वर्षा का दौर जारी रहेगा और अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के गंगा स्नान को प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से बात करके यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और गंगा स्नान के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं की एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। कोविड कर्फ्यू की एसओपी के अनुसार 72 घंटों के भीतर ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोग ही हरिद्वार आ सकेंगे। हालांकि हर की पौड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे, सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारी ही दोनों दिन पूजन कर स्नान कर सकेंगे। हरिद्वार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के लिए ना आने की अपील की है। एसएसपी डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने कहा कि बाहरी राज्यों के श्रद्धालु 20 और 21 जून को गंगा स्नान करने हरिद्वार ना आए, दोनों दिन जिले की सीमाएं सील कर श्रद्धालुओं को वापस लौटाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के व्यापारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। उत्तराखंड की सीमाएं और चार धाम यात्रा खुलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हरिद्वार के व्यापारियों को फिर से झटका लगा है। हरिद्वार के व्यापारियों को उम्मीद थी कि हर वर्ष की भांति गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने आएंगे और उनके व्यवसाय को फिर से संजीवनी बूटी मिल पाएगी। लेकिन स्नान के लिए श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने पर अब जो रोक लगाई गई है, उसके बाद से एक बार फिर व्यापारियों की उम्मीदें टूट गई हैं। इस बारे में कल गंगा सभा का पदाधिकारीगण के साथ मीटिंग हुआ है, जिसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि कोरोना महामारी का दृष्टि का जो है इसका सांकेतिक तौर पर करने के लिए उसका जो है उन्होंने सहमत व्यक्त कर दिया है। और अभी ये गंगा स्नान जो है और इस एकादशी को बनाए और बाहरी राज्य का जो शरणार्थी है उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा। बॉर्डर हम सील करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि जो है काफ़ी भीड़ भाड़ या मिक्सिंग ना हो, ताकि जो है हम कोरोना का जो नियम है लॉकडाउन करने में उसका पालन कर सकें। नहीं, एक्चुअली स्नान का पर्पज़ में आएंगे, जैसा अभी आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट और आपका जो है रजिस्ट्रेशन, ये तो अनावर्य है उत्तराखंड अंदर आने के लिए, लेकिन वो बॉर्डर सील रखेंगे। स्नान आरती स्नान का पर्पस के लिए उनके लिए तो हम प्रतिबंधित करके रखेंगे। लालकुआ की गौला नदी में शुक्रवार की शाम अचानक आए तेज बहाव की वजह से दो युवक नदी पार बने टीले पर ही फंस गए। हल्दू चौड़ निवासी दो ग्रामीण हेमंत भट्ट और दीपक भट्ट गोला नदी पार कर गए थे। उनके पार आते ही नदी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण दोनों ही नदी पार बने टीले पर फंस गए। दोनों के फंसे होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीण कुछ नहीं कर सके। वहीं अंधेरा भी काफी हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यह सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने दोनों युवकों को सकुशल निकालने का प्लान बनाया, जिसके बाद फायर सर्विस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत की मगर फिर भी रेस्क्यू नहीं हो सका, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और फायरमैन को पूरी सतर्कता के साथ नदी में उतारा गया। दोनों ने नदी पार कर टीले में फंसे हल्दू चौड़ निवासी हेमंत भट्ट और दीपक को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल के रास्ते निकाल लिया।
एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि रेस्क्यू करने वाले दोनों लोगों स्थानीय ग्रामीण दीपक राणा और फायरमैन जितेंद्र कुमार को उच्च अधिकारी से इनाम दिलाने की बात की जाएगी। आज लालकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो धौला पहाड़ है, एक सूचना मिली कि दो व्यक्ति गौला नदी के उफान में फंस गए हैं। एक टापू के बीच में फंस गए थे। इस सूचना पर तुरंत लालकुआ पुलिस पहुंच मौके पर जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक दीपक के द्वारा और फायरमैन जितेंद्र के द्वारा बहुत शानदार काम किया गया। इन्होंने बहते हुए पानी का जो उफान मार रही थी नदी, उसकी परवाह ना करते हुए इस नदी को पार किया, उन दोनों ग्रामीणों तक पहुंचे और उनको सकुशल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये दोनों व्यक्ति रेस्क्यू करने के बाद जो हमारा गुजर झाला है सैफी नाम के एक व्यक्ति, उनके घर पे आज रात को रुकेंगे। पहली बार लालकुआ पहुंची पशुपालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास व दुग्ध विकास स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट सहित कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध बोर्ड के अधिकारियों की बैठक कर अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं नैनीताल दुग्ध संघ की तरह और इकाइयों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि पिछले 2 सालों से रुकी दुग्ध की मूल्यों की प्रोत्साहन राशि कब दी जाएगी, जिस पर उन्होंने कहा कि 1.5 साल से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में कई विकास कार्य रुक गए थे, जिनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। के लिए प्रयासरत हैं, 25 करोड़ की धनराशि है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की भी है और आगे करी भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्मोड़ा दुग्ध संघ वालों से भी जब बात हुई, अभी हम नैनीताल दुग्ध संघ वालों से भी बात कर रहे हैं, या अन्य दुग्ध संघ वाले भी लगातार इस दिशा में हमसे आग्रह कर रहे हैं। निश्चित रूप से चूंकि 2020 कोरोना का पीरियड था, 2021 भी हम लोग कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक दिक्कतें थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आश्वासन दिया है पूर्व में, मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम दुग्ध प्रोत्साहन राशि जो है हम लोग देंगे। बादराबाद में हुए हत्या व लूट के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है कि उन्होंने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को मीडिया के सामने लाया। आपको बता दें कि बीती 15 जून को थाना भादराबाद पुलिस को रोहलकी रोड अंडरपास पर अज्ञात युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला था। मृतक की पहचान रोहित निवासी इब्राहिमपुर के रूप में हुई थी। आज पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल से सबूत जुटाने के बाद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। साथ ही मुखबिर की सूचना पर शुभम को पकड़कर सख्ताई से पूछताछ की गई, जिसमें पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि वह मृतक रोहित का दोस्त है, उसने रोहित से पार्टी मांगी थी, जिसके चलते बहादराबाद से शराब खरीदी गई, जिसके पैसे रोहित ने अपनी जेब से निकाल कर दिए। रोहित के पास काफी पैसे थे, जिसके चलते मुझे लालच आ गया और मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बातें पकड़े गए अभियुक्त ने बताई। ये जो 15 तारीख सुबह हमारा थाना बहादराबाद में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है रोहल के अंडरपास के पास खेत में पड़ी हुई करके, तत्काल रूप से हम सब लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। उस पर एक पुरुष का डेड बॉडी है, उसको मर्डर करके उधर फेंका गया था, तो उसमें तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके कार्रवाई करी। इसमें कल जो हमें सफलता मिली, इसमें जो है मेन अक्यूस्ट शुभम जो है, ये बादराबाद में नाई का काम करता है, ये इब्राहिमपुर में जो ये मृतक है रोहित, इनका दोस्त है रोहित, आजकल देहरादून में काम कर रहा है। वो 14 तारीख रात को जब बादराबाद आए थे, दोनों का मुलाकात हुई, फिर ये पार्टी करने के चक्कर में शराब लेके वहाँ दारू पी रहे थे। जो रोहित के पास पैसा था उससे लालच होकर शुभम ने जो है इनको मर्डर कर दिया, कैंची से वार करके जो है इनको मर्डर कर दिया था। तो फिलहाल उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।